हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिदा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्प्रिंग रोल। देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैं सीड्स ली हूँ, होममेड सीड्स, मैं घर पे बनाई थी, आप देख लीजिए मेरी वीडियो। ये है पत्ता गोभी एक प्याली, ये हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक छोटी छोटी काट ली है, अदरक है और ये लहसुन है, इसको ये तीनों को मैंने चॉप में काट लिया छोटा छोटा। ये चिकन है एक प्याली और नमक आप अपने हिसाब से डालें। शिमला मिर्च है एक प्याली, प्याज है एक प्याली और ये काली मिर्च का पाउडर है। और ये मैदा हम लिए हैं, इसका घोल बनाएंगे उसको चिपकाने के लिए सीड्स को। और ये विनेगर है एक चम्मच लेंगे और ये सोया सॉस है इसको भी एक चम्मच लेंगे। फ्राई करने के लिए हम तेल लिए हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया, पैन रख दिया उस पे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। अब फ्लेम को हाई पे रखेंगे। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। अदरक डालेंगे। हरी मिर्च अब गैस की फ्लेम लो कर दे रहे हैं और इसको एक मिनट तक भून लेंगे, चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। देखिए इसको हम भून चुके हैं, पत्ता गोभी इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्ची, अब प्याज डालेंगे, इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ज्यादा इसको पकाना नहीं है हमें, बस थोड़ा सा हल्का सा इसको चला के फ्लेम को अब मीडियम पे कर दे रहे हैं। इसको ज्यादा बनाने से इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे। देखिए अच्छी तरह हम इसको चला लेंगे। फ्लेम को लो पे करके हम इसको अब हम इसमें चिकन डालेंगे। इसको मैंने नमक डाल के उबाल लिया था और फिर हम इसको इसके रेसे रेसे निकाल लिए थे, इसीलिए हम इसमें नमक थोड़ा हल्का ही डालेंगे ताकि ज्यादा ना हो जाए। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, पहले भी नमक है इसीलिए हम थोड़ा कम ही डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें।
आधा चम्मच है ये। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक चम्मच विनेगर डालेंगे, एक चम्मच सोया सॉस, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लो पे किए हैं, अब इसको मीडियम पे करके एक मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसको बंद कर दे रहे हैं। ये अब हमारी क्रीम तैयार हो गई है। अब हम मैदे का घोल बना लेंगे, ना इसको ज्यादा थिक करना है और ना ही वो एकदम पतला हो। ये हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। देखिए हमारा घोल बनके तैयार है। अब हम ये सीड्स लेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे बीच में रखेंगे, एक साइड में किनारे पे। इसको ऐसे पकड़ के रोल करेंगे। देखिए हमारा रोल बनके तैयार है। अब हम दूसरा बनाते हैं। गैस ऑन कर दिए, अब इस पे इसमें हम तेल डालेंगे इतना कि जितना से डीप फ्राई हो जाए। ये मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे रोल। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन इतना होने तक हम इसको बनाएंगे ताकि एकदम क्रंची हो जाए। हम गैस
गैस की फ्लेम को लो पे कर लेंगे। इसको चारों तरफ से सेकते रहेंगे। इधर से डालने का मतलब है कि ये पहले ही सेट हो जाएगा, फिर टूटेगा नहीं। ये देखिए हमारा स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो गया। देखिए अब हम इसी तरह सारे को बना लेंगे। ये मेरा चिकन स्प्रिंग रोल बन के तैयार है। अब इसको ट्राई करें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।